दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो क्रियाओं का अभ्यास जिसकी मदद से हमारी आई साइट इम्प्रूव होगी, कान में अगर सुनाई देना कम होता है या दर्द होता है तो वो ठीक होगा, आपके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है या दांत में कोई बहुत फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन हो जाता है, मसूड़े बहुत कमज़ोर रहते हैं या टॉन्सिल और थायराइड की समस्या, तो ये क्रियाएँ जो आज की वीडियो में बताऊँगी ये आपको हर दिन ज़रूर करना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये पूरी वीडियो शुरू से अंत देखें ताकि सारी जानकारी आप स्टेप बाय स्टेप समझें और हर एक बारीकी को समझें कि कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या गलतियां नहीं करना है। हो सकता है वीडियो इस बीच थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन आई नो कि आप पूरी जानकारी देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल में अगर नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा, और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहली जो क्रिया का अभ्यास है वो मैं बताऊंगी, इसका नाम है कपोल शक्ति विकासक क्रिया। तो अब इसका अभ्यास जब आप करेंगे इसका सबसे ज़्यादा गहरा इफेक्ट आपकी आईसाइट इम्प्रूव करने में, आपको टॉन्सिल का अगर इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिल जो है ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपके थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड जो है, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, ये सारे बहुत अच्छी तरीके से इनका फंक्शन इम्प्रूव होगा और ये स्ट्रेंथन होंगे। तो अब इसका अभ्यास कैसे करेंगे ज़रा देखें, थोड़ा सा ये डिटेल बताना भी ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, मुँह को चोंच बनाएंगे, इस तरीके से कौवे की तरह चोंच बनाएंगे, पाउट बनाएंगे, कैसा, ऐसा, ठीक है, मुंह से सांस को खींचेंगे। तो ऐसी जगह अभ्यास करें जहां पे बहुत साफ सफाई हो। तो हम अपने मुंह से सांस को खींचेंगे, पूरी सांस को अपनी छाती पर भर लेंगे और लास्ट की जो सांस बचेगी उसके गालों में भरेंगे, ऐसा। अब इसमें उंगलियों की भी पोजीशन, आपके सारे हाथ की उंगलियां जो हैं, अपने दोनों हाथ की उंगलियों को आप इस तरीके से ऐसे फंसाएंगे एक दूसरे के साथ, ऐसा, तो जो उंगलियों की टिप है उसको एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ देंगे, अंगूठा खाली रखेंगे, खुला रखेंगे और अंगूठे से अपने नाक को बंद करेंगे, ऐसा। मुंह से सांस लिया, तुरंत नाक को बंद किया और चिन को कोलर बोन की तरफ ड्रॉप कर दिया, ऐसा, और सांस को रोक के रखा, पोस्चर को होल्ड करके रखा इस तरीके से, और फिर उसके बाद कुछ देर होल्ड करने के बाद अपने हाथ को हटाएं, मुंह की जो हवा है उसको बाहर निकाल दें, चेहरा उठाते हुए अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ दें, धीरे 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 धीरे, ऐसा। तो जब आप अपना राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ते हैं, ये किस लिए किया, क्योंकि जब आप मुंह से सांस लिए, सलाइवा से सांसें ठंडी हो गई, शरीर में गई, शरीर का तापमान अंदर का गर्म है, सांसें गर्म हो गई, कुछ देर होल्ड करके रखा और फिर उसके बाद जब आप सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं तो वो गर्म सांसें हैं, तो इसीलिए हमारी लेफ़्ट नॉस्ट्रल जो है ये ठंडी नासिका है, तो लेफ़्ट नॉस्ट्रल से हम धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, तो इससे आप धीरे धीरे बहुत शांत होते जाएंगे। जिनके पेट में बहुत गर्मी होती है, एसिडिटी की समस्या है, उनको भी ये अभ्यास बहुत मदद करने वाला है। फिर से देखिए, ठीक है, तो इसका अभ्यास आपको कितना करना है, इसका अभ्यास मिनिमम 9 राउंड्स कर लें या मैक्सिमम 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास लगातार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा कंडक्ट की जाए
आने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को एक घंटे की ड्यूरेशन में मैं इस तरीके से डिज़ाइन करती हूँ कि जिसमें कि आपकी ओवरऑल बॉडी पर काम किया जाए विद द हेल्प ऑफ आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन। अलग अलग दिन हम अलग अलग क्लासेस करते हैं जिससे आपके पूरे शरीर पर काम किया जा सके, जिससे आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक लाभ मिले। आप सोच रहे होंगे कि ये क्लासेस कौन ज्वाइन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, या कि आपको कोई हेल्थ कंडीशन है जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, पीसीओएस, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मानसिक तनाव है, रात में नींद नहीं आती है, तो ये क्लासेस मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को ये क्लासेस ज्वाइन करने के बाद स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिला है। उनकी मेडिकेशन भी बहुत हद तक कम हो गई है। जो दवाइयाँ गोलियाँ वो खाते थे और दवाइयों पर डिपेंडेंट थे, वो चीज़ें बहुत हद तक कम हो गई है। अब अगर ये लाइव क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ जूम पर, तो आप मेरे द्वारा कुछ कोर्सेस मैंने डिज़ाइन किए हैं, आप उन कोर्सेस को परचेस करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक घंटे की वीडियोस होती हैं और इन एक घंटे की वीडियोस को एक्सक्लूसिव मेरे वेबसाइट पर आप एक्सेस कर सकते हैं परचेस करने के बाद। और ये यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल नहीं है, एक्सक्लूसिव वेबसाइट पर है। एक घंटे की वीडियोस में एक सीक्वेंस होता है जिसमें आप आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, फिर लास्ट में ध्यान करेंगे। और ये कोर्स कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली है। और इन लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड सेशंस का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपको कहीं और नहीं जाना है, घर के ही कंफर्ट जोन में अपना लैपटॉप या मोबाइल ओपन करें और वीडियोज़ को प्ले करके और शुरू हो जाएँ। एंड आई एम श्योर कि आप सभी जानना चाहते हैं कि ये क्लासेस और कोर्स के बारे में और जानकारी और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है इस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको क्लास और कोर्स के बारे में सारी की सारी जानकारी मिल जाए तत्काल। अभी तो वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो को पूरी देख लीजिए और फिर उसके बाद जाके मेरी वेबसाइट और जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। कॉमन मिस्टेक्स ज़रा समझते हैं कि कपोल शक्ति विकासक का अभ्यास करते वक्त कॉमन मिस्टेक ये होती है कि जब आप अपने नाक को बंद करते हैं तो ऐसे एल्बो को नीचे रखते हैं और इस तरीके से ऐसे बंद करते हैं ऐसा। तो मैंने आपको बताया कि सांस छाती पर भरनी है तो छाती पर वो जगह देंगे आप, इस तरीके से हाथ को उठाएंगे, बहुत ऊपर भी ऐसे नहीं लेकिन कम से कम एल्बो कंधे के लेवल तक हो। तो एक तो हो गया कि आपकी छाती को बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से जगह मिली ऐसा। दूसरी गलती कि मुंह से सांस को खींचते वक्त बहुत जोर लगाते हैं, कैसे, इतना जोर नहीं लगाना है, बहुत आराम से, कैसा, ऐसा। तीसरी गलती जो करते हैं कि जब आप गर्दन को लॉक करते हैं जालंधर बंद लगाने के लिए तो गर्दन को ऐसे ड्रॉप कर देते हैं ऐसा, ऐसा डिफरेंस देखिए, ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, ऐसे नहीं ड्रॉप करना है बल्कि गर्दन को सीधी रखना है, चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप करना है, तो चेस्ट हल्की सी लिफ्टेड होगी ताकि नीचे से भी दबाव है और ऊपर से भी दबाव है और गर्दन पर यहाँ आपके लॉक है इस तरीके से। तो डिफरेंस देखिए, ऐसे नहीं लॉक करना है बल्कि ऐसे लॉक करना है ऐसा, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करें अगर आप अभ्यास करते हैं तो। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ जिसका नाम है कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। ये क्रिया भी जो पिछली क्रिया हमने अभ्यास की है उससे मिलती जुलती है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली कर्ण वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी आपके कान में सुनाई कम देता है, मावाद बनता है, बहुत जल्दी गंदगी इकट्ठा हो जाती है, या कि फिर कान से किसी भी तरीके की आवाज़ आती है, और इसके अलावा आपके कान की जो सेहत है बहुत अच्छी होगी, अच्छी तरीके से सुनाई देगा, तो आपके ब्रेन का फंक्शन भी सही होगा, क्योंकि जब हमारे सेंस ऑर्गन से कान, नाक, आँख, मुँह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है तभी ब्रेन पर जाती है, लेकिन अगर हमारे सेंस ऑर्गन अच्छी तरीके से काम ना करें तो हमारा ब्रेन भी लेजी हो जाता है और उसका फंक्शन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। तो अब इसका अभ्यास करने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरीके से ऐसे जोड़ेंगे, लेकिन इस बार अपने
कान को ऐसे बंद करेंगे और बाकी की उंगलियों को इस तरीके से ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, ऐसा दोनों अंगूठों की मदद से कान को बंद करेंगे और उंगलियों की टिप को ऐसे जोड़ेंगे ऐसा, और सांस लेने का तरीका, रोकने का तरीका, छोड़ने का तरीका सेम है। तो फिर से एक बार देखें अभ्यास कैसे करेंगे, कर्ण शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास। सांस लेंगे मुंह से, सांस छाती पर भर लें, बाकी की सांस मुंह पर भरें, कान को बंद कर लें, चिन को कोलर बोन की तरफ ड्रॉप करें, होल्ड करें, मुंह को फुलाए हुए। फिर उसके बाद हाथ को घुटने पर ड्रॉप करें, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दें ऐसा। तो कुछ राउंड करने मात्र से आप देखेंगे मन बड़ा शांत और बड़ा हल्का हो रहा है। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कर्ण शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास करते हुए, कि जो कान को बंद करने का तरीका है वो सही तरीके से बंद नहीं करते। तो कान को हमेशा ऐसे बाहर से ऐसे बंद करेंगे, ऐसे ढक्कन जैसे, ऐसा ऐसा। नाखून जो है वो आपके बड़े हुए ना हो, जिससे कि आपको किसी भी तरीके से कोई असुविधा ना हो। अगर नाखून बहुत बड़े होंगे तो फिर आपको दर्द हो सकता है। बहुत अंदर कान के अपने अंगूठे को नहीं डालेंगे, और बाकी नेक की जो टेंशन मैंने आपको बताई थी वो ध्यान रखनी है। सांस लेते वक्त आपको ध्यान रखना है रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रखनी है। कितना अभ्यास करना है, वही मिनिमम 9 राउंड्स या 5 से 10 मिनट अभ्यास कर लें। कब करना है इसका अभ्यास, आसनों का अभ्यास कर लें, प्राणायाम का अभ्यास कर लें, और फिर उसके बाद ध्यान करने से पहले कपोल शक्ति विकासक कर्ण शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास करें। और किस वक्त करना है, अर्ली इन द मॉर्निंग कर लें तो बहुत अच्छी बात है। सुबह टाइम ना मिले तो शाम में जब सूरज ढलता है तब कर लें, या कि फिर दिन में कभी भी किसी भी वक्त आपको टाइम मिलता है फिर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है, ऐसी कोई लिमिटेशन वाली बात नहीं है। अगर लिमिटेशन की बात करूं तो अगर आपको रिसेंट कोई कान में ऑपरेशन, आंख में ऑपरेशन या गर्दन के आसपास कोई इंजरी हुई है, चोट लगी है, तो फिर इसका अभ्यास आप कुछ दिनों तक अवॉइड करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ज़्यादा देर तक सांस को ना रोकें या सांस को रोकना कंप्लीट अवॉइड करें। अगर हार्ट पेशेंट हैं तो भी सांस को रोकना अवॉइड करें या बहुत ज़्यादा देर तक सांसों को ना रोकें। जब आपकी तबीयत खराब हो, आप ऑलरेडी वीक महसूस कर रहे हैं तो भी इसका अभ्यास उस वक्त अवॉइड करें, और जब आप कंप्लीटली शांत हो, रिलैक्स हो तो इसका अभ्यास करें। और इसका अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन होगा। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया इन क्रियाओं का अभ्यास। आशा करती हूँ स्टेप बाय स्टेप ये सारी जानकारी जो मैंने आपको दी वो उससे आपको बहुत लाभ मिलने वाले हैं। अब आप हर दिन इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे और आपको खूब सारे स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। और ये सिर्फ स्वास्थ्य लाभ अपने तक सीमित मत रखिएगा, इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको फॉरवर्ड कर दीजिए, सो दैट उनको खूब सारे स्वास्थ्य लाभ मिले इन सारे अभ्यासों को करके। मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, अगर आपके सजेशन हैं कोई तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। आगे आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी मुझे बताइए, कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका दिल से शुक्रिया, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अभी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्ते।